किसने बनाई यार ये पढ़ाई। अच्छा चलो पढ़ाई तो बना दी, लेकिन पढ़ना क्यों पड़ता है। अच्छा चलो पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ने में जोर क्यों आता है। अच्छा चलो पढ़ने में जोर आता है, लेकिन और चीज़ों में मज़ा क्यों आता है। जो किताब आपको इतना नॉलेज देती है, उसको पढ़ते टाइम आपको नींद आती है, लेकिन वही अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ते हो जिसमें रंग बिरंगी फोटो हो, कहानी हो, चुटकुले हो, उसमें आपकी नींद भाग जाएगी। मोबाइल चलाना क्यों अच्छा लगता है। यूट्यूब पर कई घंटे फालतू के वीडियो देखना क्यों अच्छा लगता है। किसी को सोशल मीडिया पर लाइन देना क्यों अच्छा लगता है। रात को जल्दी सो जाते हो ये सोचकर कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। सुबह लेट उठते हो ये सोचकर कि यार दोपहर में पढ़ लूंगा, दिन बहुत लंबा है। दोपहर में मोबाइल में लग जाते हो यह सोचकर कि शाम में पढ़ लेंगे, शाम तो अपनी है, शाम को अपना टाइम आएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आएगा या फिर मूवी देखने के लिए आएगा। अरे अभी क्या जरूरी है, अभी तो बहुत टाइम है पढ़ने में। दोस्तों आपके पापा 40 के हो गए, आपने 20 साल टाइम वेस्ट किया खुद का, बाकी 20 साल और अपनी फोटो एडिट करके डीपी लगाते रहो, तब तक आपके माँ बाप 60 साल के हो जाएंगे। अभी जो आप सपने देख रहे हो, पेरेंट्स को वहाँ घुमाने ले जाऊंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, कार लूँगा, एसी लगाऊंगा घर में, बैंक बैलेंस रखूँगा, मैं पूछता हूँ कब करोगे मेरे भाई। जो चीज़ आप एक साल बाद अचीव करके एंजॉय कर सकते हो ना, उस चीज़ को अगर 5 साल बाद अचीव करोगे ना, तो इतना मज़ा नहीं ले पाओगे। कड़वा सत्य है, समझो इस बात को। ये जो पढ़ाई नाम का चीज़ है ना, जिसको देखकर आपको लगता है कि मेरे सामने पहाड़ है, तो सोचो कि जो मज़े है ना जिंदगी के, वो पहाड़ के दूसरी तरफ है। अगर आपको अपने हक के मज़े और हक की खुशियाँ, अपने परिवार की खुशियाँ लेनी है, तो इस पहाड़ को पार करना ही पड़ेगा। बल्कि मैं कहूँगा कि पढ़ाई पहाड़ नहीं है, ये रास्ता है, ये रास्ता है अपनी मंजिल तक जाने का। फ्रेंड्स डोंट स्टक योर सेल्फ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल।